अगर आप भी बीएमएस कॉलेज में, जो कि छत्तीसगढ़ के बीएमएस कॉलेज जो कि रायपुर और बिलासपुर में है, अगर उसमें आप एडमिशन ले रहे हैं तो इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि एडमिशन फीस कितना है वहाँ का रजिस्ट्रेशन फीस कितना है, वहाँ की ईयरली फीस कितनी है, और साथ में हॉस्टल फीस कितनी है, और वहाँ स्कॉलरशिप मिलती है कि नहीं। तो इन सभी चीज़ों को आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं बीएमएस बिलासपुर या बीएमएस रायपुर में, तो वहाँ की जो है रजिस्ट्रेशन या जो फीस है वो जो हमारे कैटेगरीज बनाई गई हैं, जनरल, ओबीसी, एसटी एंड एससी, इसमें जो है अलग अलग कैटेगरीज का अलग अलग जो है फी स्ट्रक्चर है। जैसे कि अगर हम ऑल इंडिया कोटा की बात करें, जैसे कि 15% जो होता है वो ऑल इंडिया कोटा से बच्चे आते हैं, तो उसमें जो है 26,000 रुपये की जो है एक बार में एडमिशन फीस लगती है। एडमिशन फीस के साथ ही इसमें रजिस्ट्रेशन फीस इंक्लूड होता है, 1,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन फीस होता है जो कि उस 26,000 में इंक्लूड होता है। साथ में एक साल का 19,750 रुपये जो कि ईयरली फीस है वो भी उसमें इंक्लूड होता है। और इसके साथ ही इसमें शैक्षणिक भ्रमण जो कि 3,000 रुपये का होता है वो भी उसमें इंक्लूड होता है। इसमें कि क्रीड़ा जो कि खेल कूद के लिए, और लाइब्रेरी और अदर जो एक्टिविटीज़ हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड जो भी बस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो जो ऑल इंडिया कोटा से बच्चे आते हैं उनको एक बार में वन टाइम फीस जो उनको फर्स्ट ईयर में पेड करनी पड़ती है वो होती है 26,000 रुपये। अब बात करते हैं स्टेट कोटा की। जो स्टेट कोटा से जो बच्चे आते हैं उनमें जो है एसटीएससी, ओबीसी और जो है जनरल कैटेगरी, ऐसे करके बांटा गया है। लेकिन नेशनल कोटा में ऐसा नहीं है। नेशनल कोटा में आपको टोटल फीस 26,000 ही पेड करनी पड़ती है, लेकिन जो स्टेट वाइज है, स्टेट में जो है आपको एसटीएससी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी की अलग अलग फीस पेड करने को मिलती है। जैसे कि अगर आप बात करें ओबीसी और जनरल की, तो जनरल और ओबीसी को जो एडमिशन के टाइम पे हमें फीस लगती है वो लगती है 26,000 रुपये, जो कि आप फर्स्ट ईयर में पे करते हैं। फर्स्ट ईयर में जब पे करते हैं तो 26,000 रुपये लगती है, और जो 26,000 रुपये हम पेड करते हैं उसमें 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस इंक्लूड होती है। साथ ही इसमें जो है 19,750 रुपये जो कि आपकी ईयरली फीस है फर्स्ट ईयर की, वो जो है वो भी आपकी इसमें इंक्लूड होती है। ठीक है, इसके साथ ही जो कि शैक्षणिक भ्रमण और जो खेलकूद और लाइब्रेरी और भी आदि चीज़ें हैं वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, जो कि हमको वन टाइम फर्स्ट टाइम पे करना पड़ता है एडमिशन के टाइम पे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एसटीएससी कैटेगरी के। जो एसटी और एससी के जो बच्चे होते हैं उनको जो है यहाँ पे 9,750 रुपये की ईयरली फीस पेड करने पड़ती है, लेकिन जब वो यहाँ पे एडमिशन ले रहे होते हैं तो एडमिशन फीस के रूप में 16,000 रुपये का एडमिशन फीस यहाँ पे देना पड़ता है, जिसमें कि जो 6,000 रुपये जो एक्स्ट्रा लगते हैं उसमें शैक्षणिक भ्रमण, लाइब्रेरी एंड 1,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन फीस, ये सब इंक्लूड होता है। ठीक है, इसके बाद जो है हम बात करें कि हॉस्टल फीस की। यहाँ पे हॉस्टल फीस कैसे कितने पैसे लगते हैं हॉस्टल फीस के। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं या आप आने के बाद यहाँ पीजी लेकर रहते हैं और सेकेंड ईयर में यहाँ पे हॉस्टल जाना चाहते हैं या फर्स्ट ईयर में भी जाना चाहते हैं, तो अगर आप आते साथ जाना चाहते हैं तो उसमें होता ऐसा है कि आपको जो है 12,000 रुपये का एडमिशन फीस या रजिस्ट्रेशन फीस लिया जाता है, जिसमें से 5,000 रुपये जो होती है वो सिक्योरिटी मनी होती है, और जो है 7,000 रुपये जो होती है वो ईयरली फी होती है एक हॉस्टल चार्ज की, जिसमें कि मेस इंक्लूड नहीं होता है, ओनली हॉस्टल इंक्लूड होता है। हम हॉस्टल का एक टूर बनाएंगे जिसमें कि आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। उसमें जो है हम हॉस्टल का पूरा टूर करवाएंगे कि उसमें आपको क्या क्या चीज़ें हॉस्टल में प्रोवाइड होती हैं और क्या चीज़ें नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हमें 7,000 रुपये की ईयरली फीस लगती है हॉस्टल फीस। ठीक है, जो कि और 5,000 रुपये का सिक्योरिटी मनी जो कि वन टाइम हमें देना रहता है, जो कि आपको 4.5 साल के बाद, जब आपके 4.5 साल यहाँ पे पूरे हो जाते हैं, आपका कोर्स पूरा हो जाता है, तो उसके बाद आपको 5,000 रुपये सिक्योरिटी मनी वापस लौटा दी जाती है। इसके साथ ही हम बात करते हैं स्कॉलरशिप की। यहाँ पे स्कॉलरशिप किन किन बच्चों को मिलता है और कितना मिलता है, तो बात करें तो यहाँ पे जो भी है जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं होता है। यहाँ पे प्रोवाइड होता है ओबीसी को, एसटी एंड एससी को। देखिए, जैसे कि ओबीसी हैं, ओबीसी जो हैं जो कि ईयरली फी पेड करते हैं 19,750 रुपीज़, यानी कि 19,750 रुपये, तो उनको जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है 26,500 रुपये,
जो कि 6 महीने बाद आती है। जब आप इस फीस पेड करते हैं उसके बाद आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना पड़ता है, उसके बाद ये 6 महीने के बाद आपको गवर्नमेंट आपके बैंक अकाउंट में डाल देती है। जो STSC कैटेगरी के बच्चे हैं उनमें जो है यही फीस जो है 9,750 रुपये ईयरली फीस होती है, और इनको जो है जो स्कॉलरशिप मिलती है वो मिलती है 16,000 रुपये। ये 3 साल तक जितने प्रोफ, अगर आप 3 प्रोफ के हैं या आप 4 प्रोफ के हैं, 4.5 साल तक में आपको जो है ये मिलती रहती है। हर एक प्रोफ में आप जब फीस पेड करते हैं तो आपको उसके साथ ही आपको कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे स्कॉलरशिप फॉर्म मिलता है जिसको कि आपको भरना पड़ता है, और उसको भरने के बाद आपके बैंक अकाउंट में ये पैसे डिपॉजिट हो जाते हैं। ओके, थैंक यू। इससे रिलेटेड, BMS से रिलेटेड और बिलासपुर और रायपुर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में हम इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनाएंगे, जैसे कि कॉलेज का पूरा टूर कराएंगे, हॉस्टल का टूर कराएंगे, कॉलेज में कौन कौन से टीचर हैं, क्या क्या डिपार्टमेंट होते हैं, और भी हॉस्पिटल में क्या क्या चीज़ें हमारे फैसिलिटीज़ में हैं, हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। थैंक यू।